हेलो एवरीवन, दिस इज राजन. वेल गाइस, हम बात करेंगे कि ब्रेकआउट पे आप किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट किसी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आती है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जब उसको ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड लेंगे, यानी ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे. जनरली ऐसा होता है कि ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेते हैं लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है और मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है और हमारा स्टॉप लॉस उसमें कहीं ना कहीं हिट हो जाता है. ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि मार्केट अगर किसी लेवल पर पहुंच रही है तो वहाँ पे वो जेन्युइन ब्रेकआउट होगा या फिर वो फेक ब्रेकआउट है रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट में. फोर टाइप ऑफ ब्रेकआउट्स होते हैं. अब उन ब्रेकआउट्स पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए वो हम इस वीडियो में समझेंगे. तो अगर आप देखोगे, ये आपकी स्क्रीन पर, पहले हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर किसी सपोर्ट एरिया, आपने सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है और मार्केट जो है उस एरिया के आसपास आ रही है तो आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए. तो जो पहला सेटअप बनता है हमारा, अगर आप जनरली देखोगे इस पहले सेटअप में क्या होता है, आपने कोई सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है जहाँ पे बायर्स होते हैं. जनरली क्या होता है, अगर मार्केट किसी सपोर्ट रेंज से आ रही है और पहली बार वो सपोर्ट लेके अगर मार्केट को ऊपर जाना है, जनरली अगर मार्केट को ऊपर जाना है किसी सपोर्ट एरिया से, तो उस सपोर्ट एरिया पर मार्केट ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती, वो सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट में ही वहाँ से ऊपर चली जाती है, वहाँ से वो ऊपर चली जाती है. जनरली अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ इस छोटे से रेंज से नीचे आई, अगेन ट्राई किया ऊपर जाने का और यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर चली गई. तो जनरली अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती होती है. फर्स्ट होता है अगर इस तरह का सिनेरियो बने तो डेफिनेटली आप वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा होता है, मान लो मार्केट बहुत ऊपर से आ रही है और वहाँ पे आके वो टाइम स्पेंड करने लगे, इस केसेस में मार्केट ने ज़्यादा देर टाइम स्पेंड नहीं किया, वहाँ से बायर्स आ गए दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में. लेकिन अगर मार्केट किसी सपोर्ट एरिया पे काफ़ी देर टाइम स्पेंड कर रही है तो डेफिनेटली अगर वो लोअर लेवल ब्रेक होता है तो वहाँ पे आप सेल साइड ट्रेड ले सकते हो इस एरिया के आसपास और अपने स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर रख सकते हो. एक ज़बरदस्त ट्रेड आपको सेल साइड नीचे की तरफ मिल सकता है. थर्ड केस क्या होता है हमारा, थर्ड केस में क्या होता है कि मार्केट बहुत ऊपर से आ रही होती है, हमने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है, मार्केट बहुत ऊपर से आई और हम बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी. कई लोग तो होंगे जो यहाँ पे एंट्री करके होंगे, डेफिनेटली जो प्रोफेशनल है या फिर जो बिग प्लेयर्स हैं उनकी एंट्री ऊपर हो जाती है, लेकिन जो रिटेलर्स हैं, हम जैसे ट्रेडर्स हैं, उनकी एंट्री कहाँ होती है कि मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा. अब जनरली एक साइकोलॉजी पॉइंट समझिए, अगर आप किसी एग्जाम्पल को देखिए कि आप बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, बहुत दूर से चल के आ रहे हैं और ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद भी आप बहुत नीचे तक जाएंगे, तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट से भी फिट नहीं बैठता. क्या होता है जनरली, ये एक ट्रैपिंग होता है, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर से आ रही है तो अगर उस लेवल को ब्रेक भी कर रही है तो वापस ऊपर आ सकती है. फोर्थ केसेस में भी इसी तरह का कुछ सिनेरियो होता है, लेकिन मार्केट क्या करती है कि हम एक्सपेक्ट में रहते हैं कि मार्केट इस लेवल के आसपास आएगी तो बाय करेंगे या फिर ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे. जनरली क्या होता है, मार्केट उस लेवल तक ही नहीं पहुंचती और उससे पहले ही मार्केट टर्न अराउंड हो जाती है, एक विशेष रिकवरी आ जाती है. तो आप एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मार्केट बहुत ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया के आसपास तो डेफिनेटली वो वहाँ से या तो सपोर्ट लेने वाली है और अगर ब्रेकआउट भी होता है तो वो ब्रेकआउट फेलियर होता है. इस केस में बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर से आई, किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल किया और मार्केट वहाँ से घूम गए, तो ये जनरली ब्रेकआउट फेलियर इसी तरीके से आइडेंटिफाई किया जाती है. ये जो केस होता है हमारा ब्रेकआउट फेलियर होता है, इसमें बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं ले पाते. इस केसेस में लोग क्या करते हैं कि मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, कई लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं, कई लोग यहाँ बाय कर लेते हैं और मार्केट जब नीचे की तरफ जाती है तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनती है और उनमें उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, वो आपको एंट्री भी नहीं देती. एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है, कभी भी जो जेन्युइन ब्रेकआउट होगा ना, वो छोटा सा ब्रेकआउट, इस तरह से छोटा सा ब्रेकआउट होकर या छोटी सी कैंडल बनकर आपको इन्विटेशन नहीं देगा कि आओ यहाँ पर आप ट्रेड ले लो, वो बहुत बड़ी कैंडल बनेगी. अगर जनरल ब्रेकआउट होगा बहुत बड़ी कैंडल बनेगी और मार्केट आपको मौका भी नहीं देगी उसमें एंट्री करने का. जो ट्रैप वाले ब्रेकआउट होते हैं ना, वो आपको बुलाते हैं, छोटा सा ब्रेकआउट होगा आपको दिखेगा बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, आ जाओ यहाँ पर ट्रेड ले लो, और जैसे ही आप एंट्री करोगे वो वहाँ से रिवर्स होकर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा सपोर्ट साइड में, सपोर्ट साइड में ब्रेकआउट होता था किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं. रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो सेम जैसा हमने सपोर्ट की बात करी वैसे हमारा रेजिस्टेंस साइड भी बनता है कि अगर मार्केट सपोज नीचे की तरफ से आ रही है, एक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नीचे से आ रही है और अगर उसको वापस वहाँ से रेजिस्टेंस लेना है, उस रेजिस्टेंस एरिया से रेजिस्टेंस लेना है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा वहाँ टाइम स्पेंड नहीं करेगी, दूसरे या तीसरे अटैम्प्ट में वहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, मार्केट को नीचे के लेके चले आएंगे. ये जो हमारा केस होता है कि मार्केट बहुत नीचे से आ रही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रेंज या ये रेजिस्टेंस जो है ब्रेक होगा और यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे. जैसा हमने सपोर्ट के केसेस में डिस्कस किया कि अगर मार्केट बहुत ही नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है और अगर वहाँ पर ब्रेकआउट भी हो रहा है तो डेफिनेटली 90-80% चांस होता है कि वो ब्रेकआउट फेल होता है. क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में बहुत नीचे से बायर्स आ रहे हैं और अगर यहाँ ब्रेक भी हो रहा है तो वो जो नीचे के बायर हैं
वो इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, वो अपना माल किसी ना किसी को बेचेंगे। वो अपना माल किसको बेचेंगे? जो नए बायर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे, यानी हम जैसे जो रिटेलर होते हैं वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, और जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने नीचे के लेवल पे एंट्री करी वो वहाँ पर अपना माल बेच कर निकलेंगे और वहाँ से मार्केट ब्रेकआउट फेलियर होगा और वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये जनरल रूल है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट बहुत नीचे से आ रही है तो उस ब्रेकआउट पर आपको ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है। ब्रेकआउट फेल पर आप सेल साइड जा सकते हो, बाय साइड कब जा सकते हो, मान लो मार्केट बहुत नीचे से आ रही है और आके रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास टाइम स्पेंड करने लग गई, और अगर ऊपर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली वो जेन्युइन ब्रेकआउट होता है, वहाँ पे हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। बाइंग साइड एक तगड़ा मोमेंटम आने वाला होता है। जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करते हैं, बहुत सारे सेलर यहाँ पे एंट्री कर चुके होते हैं, जैसे ही मार्केट ऊपर निकलती है वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंट जो है, शॉर्ट कवरिंग जो है ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। तो सारा खेल जो है साइकोलॉजी का है। अगर साइकोलॉजी पकड़ने लोगों के मार्केट की, चार्ट रीडिंग करने लोगों के, डेफिनेटली आप मार्केट से पैसे निकाल सकते हो। फोर्थ जो केसेस होता है, जैसे मैंने बताया कि मार्केट बहुत नीचे से आ रही है और कई बार ऐसा होता है कि वो लेवल के पहले ही टर्न अराउंड हो जाती है, तो जनरली इस तरह के सेटअप को हम जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस चीज़ में हम वेट कर सकते हैं, या तो ये सेकंड टाइम रीटेस्ट करे या फिर वापस आके यहाँ टाइम स्पेंड करके ऊपर निकले तो वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की हमारा सिनेरियो होता है। बेस्ट जो सेटअप होता है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, एक ये ब्रेकआउट फेलियर को ट्रेड कर सकते हो, और अगर मार्केट रेंज बनाना स्टार्ट करती है किसी लेवल के आसपास, वहाँ पे जो है आप अपना ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हो। चार्ट पे भी देख लेते हैं कुछ सेटअप्स किस तरीके से बनते हैं। अच्छा, ये हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, इस तरीके से जो हमारे ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करते हो, जैसे इस तरीके से हमारा सपोर्ट आपने ड्रॉ कर लिया या फिर इस तरीके से रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, ये ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो इसका भी सेम सेटअप होता है जैसे हमने इस पर डिस्कस किया। अगर मार्केट बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रही है तो डेफिनेटली वो ब्रेकआउट फेलियर होगा, लेकिन ट्रैवल करने के बाद अगर वहाँ पर रेंज बना के ब्रेकआउट दे रही है तो डेफिनेटली वो जेन्युइन ट्रेड हो सकता है, वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। अगर मैं बैंक निफ्टी के एग्जांपल में बात करूँ, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट एरिया के आसपास दो बार में ही अटेम्प्ट लिया और मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली गई। अब अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे जो है इस सपोर्ट एरिया के आसपास टाइम स्पेंड करने लगी, जैसे मार्केट नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना रही है, तो नीचे ब्रेक डाउन देती है तो डेफिनेटली हम वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी ब्रेक डाउन पे, तुरंत इतनी बड़ी कैंडल बनी लगभग 150-200 पॉइंट की, तो जेन्युइन ब्रेकआउट में आपको कभी मौका ही नहीं मिलेगा अगर आप पहले से रेडी हो इस चीज़ को समझने की। अच्छा, इस चीज़ को आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं ब्रेकआउट पे, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंचने पे किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वहाँ पे सेलर हैं या बायर हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पे सेलर ज़्यादा है या बायर ज़्यादा है, तो इस पर ऑलरेडी वीडियो है, तो उसको आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके की ये जो सेटअप है इनको आप प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही मार्केट की जो एक्सपर्टीज़ है आपको समझ में आने लगेगी। चार्ट ट्रेडिंग करें, जितना ज़्यादा आप चार्ट ट्रेडिंग करोगे मार्केट को उतना जल्दी समझने में आपको आसानी होगी। ये था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।